मार्केट में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने जाता हूँ, 4 लाख रुपए लिए जाते हैं, ऑटो मिलता है, 3 लोग बिठा पाता हूँ, रेंज कितनी होती है 125 किलोमीटर। हैक्सॉल ने एक इनोवेटिव कंसेप्ट निकाला है कि गाड़ी बनाई है और कहा है कि यार आप इसमें 12 लोग बिठा लो, मतलब ड्राइवर वाला केबिन तो अलग हो गया, पीछे आप इसमें 12 लोग बिठा सकते हो। तो ये जो गाड़ी है वो हैक्सॉल की तरफ से है, ये L5M कैटेगरी की गाड़ी है, मतलब ऑटो रिक्शा की ही कैटेगरी की गाड़ी है, बट आप इसमें टाटा विंगर जितने लोग बिठा सकते हो, अशोक लेलैंड के दोस्त एक्सप्रेस जितने लोग बिठा सकते हो, मतलब 12 लोगों की कैपेसिटी चल रही है। रेंज क्लेम करते हैं 100 से 125 किलोमीटर चलेगी, बट अगर बैटरी अपग्रेड बना लो इसका, मतलब बड़ी बैटरी लगा लो क्योंकि इसकी चैसी में जगह है, तो आप इसको 200 किलोमीटर तक भी लेके जा पाओगे, जल्दी फटाफट चार्ज हो जाती है। हालांकि अभी बिकने के लिए रेडी नहीं है, आपको अगर इसको खरीदना है तो आपको जुलाई अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये गाड़ी जो है डेमो पर्पज से बना के चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि जो आपको बोल रहे हैं क्या वो इतना दे पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में, मैं आपको इस गाड़ी का एक अनुमानित कीमत भी बता दूंगा कि अनुमानित कीमत क्या आएगा इस गाड़ी के बारे में, तो देखिएगा वीडियो को आखिर तक। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो, आपने अब तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, फ्री है आपके लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो। चलो हम शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। दोस्तों ये गाड़ी जो है वो हैक्सॉल की तरफ से आती है और ये सामने से देखने में काफ़ी अजीब लगेगी। अब अजीब मतलब ये है कि अच्छी या बुरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बड़ी आपको अजीब इसलिए लगेगी क्योंकि आप इसको पहली बार देखोगे। ट्रकों के साइज़ का एक विंडशील्ड लगा रखा है और ये कर्व्ड विंडशील्ड है, मतलब फ्लैट नहीं है, ये कर्व के साथ में आता है और ये कहीं ना कहीं डिज़ाइन को भी कंप्लीट करता है, ऊपर से थोड़ा एयरोडायनेमिक गाड़ी को बनाता है। हालांकि जो टॉप स्पीड है 50 किलोमीटर के आसपास ही रहेगी, क्यों? क्योंकि एक L5M कैटेगरी की गाड़ी है, मतलब ऑटो रिक्शा कैटेगरी की गाड़ी है, और उसके अलावा ये जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी गाड़ी है, तो वो एक चीज़ है। यहाँ पे आपको LED लैंप्स मिल जाते हैं, प्रॉपर LED सेटअप है, यहाँ नीचे भी LED है, ये ऊपर भी आपको RL टाइप से ट्रीटमेंट दिखेगा, यहाँ आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। ये उन्होंने बढ़िया तरीके से कर्व आउट किया हुआ है, तो टेक्सचर बढ़िया है। हालांकि अब ये फाइबर प्रोडक्ट है, शायद जब फाइनल प्रोडक्शन में आएगा तो फाइबर की जगह कुछ बेहतर मटेरियल में भी यूज करें, ये लोग आगे देखने में बढ़िया लगती है। गाड़ी आगे 2 टायरों पर सेट करती है जो इस गाड़ी का सबसे बड़ा हाईलाइट है, ताकि गाड़ी बहुत ज्यादा स्टेबल रहने वाली है। या पीछे भी देखोगे तो आपको जो है सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, हेलिकल स्प्रिंग दोनों तरफ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स दोनों तरफ देखने को मिल जाते हैं। कंपनी का कहना है कि बाद में डिस्क ब्रेक भी इसमें ऐड करेंगे। हॉर्न वहाँ पीछे लगा हुआ है, हालांकि जिसको निकाल के आपको यहाँ कहीं और लगा देना है, ताकि वहाँ से गंदा हो गया हॉर्न खराब हो सकता है बारिश वगैरह में गाड़ी को चलाओगे, तो वो सारी चीज़ें। बाकी ओवरऑल देखने में गाड़ी बढ़िया लगती है, वाइपर्स ड्राई मिलते हैं और फिलहाल थोड़े से ऐसे लगते हैं कि जब यूज़ करेंगे तब पता चलेगा एक्चुअली गाड़ी जो है किस तरह से, और मिरर्स वगैरह प्रॉपर मिलते हैं। अगर हम बात करें कि गाड़ी में अंदर कैसे जाया जाता है, तो पहली बात बता दूँ कि इसमें 12 लोग बैठ सकते हैं, ऑफिशियली जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 12 लोगों के लिए है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो शीशा मिलता है, शीशे मिलने के कारण आपको विजिबिलिटी वगैरह बड़ी हो जाती है। ट्रकों की साइज़ का सामने शीशा है या साइड में भी शीशा है, तो वो सारी चीज़ें जो आपको मिलती है। अभी हम गाड़ी में अंदर जाने से पहले पहले घूम के देख लेते हैं, फिर हम अंदर चलेंगे कि क्या सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। वैसे देखो ये वाला जो डोर है ये आगे बैठने के लिए है, फिर पीछे बैठने के लिए आपको ये गेट मिलता है, मतलब यहाँ पे 2 डोर मिलते हैं, तो 2 गेट मिलते हैं। उनसे भी कैसे इन्होंने स्पेस बचा के कलाकारी करी है वो हम समझेंगे जब गाड़ी में अंदर जाएंगे। ये डोर का जो हैंडल आता है वो कुछ ऐसा आता है जैसे ऑटो रिक्शा वगैरह में देखा है हमने, बजाज पियाजो आपे वगैरह में देखा हुआ है, वो वैसा ही आता है। यहाँ गाड़ी की ब्रांडिंग और गाड़ी का नाम लिखा हुआ है जिसमें कि ये इसको मैमोथ बोलते हैं। इसके अलावा शीशे जो है स्लाइडिंग है, सारे जो शीशे हैं वो स्लाइडिंग वाले हैं। स्लाइडिंग शीशों का फायदा ये होता है कि स्लाइडिंग शीशों के कारण आपको रोल डाउन विंडो में थोड़ा सा नीचे की तरफ पैनल वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो ये काफ़ी आसान होते हैं इंस्टॉल करना, पैसा भी बता देते हैं, मतलब गाड़ी आपको एक सही कीमत में देने में ये शायद सक्षम हो पाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो सारी चीज़ें। पीछे स्टेबिलिटी के लिए डबल टायर लगाया हुआ है। देखो ये 6 टायर गाड़ी है, क्यों 6 टायर गाड़ी है, क्योंकि आगे 2 टायर है, पीछे 2 टायर है, फिर 2 टायर है, तो टोटल एक 6 टायर का ट्रक बना दिया, 6 टायर की पूरी बस बना दी है स्टेबिलिटी के लिए। नीचे आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिखेंगे, उसके पीछे ई ड्राइव एक्सल लगा हुआ है जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। गाड़ी की बैटरी यहाँ लगाई हुई है, बिल्कुल गाड़ी के ठीक नीचे जो है आपको बैटरी देखने को मिलेगी। चैसी के ऊपर ही बैटरी माउंटेड है। चैसी के ऊपर बैटरी माउंट होने से फायदा ये होता है कि इस बैटरी को आप बाद में बढ़वा सकते हो, इस गाड़ी को थोड़ा सा बैटरी वगैरह जो है वो आपकी बढ़ सकती है। पीछे से भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे इनका हैक्सॉल का बड़ा सा ब्रांडिंग मिलता है, और पीछे भी आपको स्लाइडिंग शीशे ही मिलते हैं, तो एक सिमेट्री टाइप से इन्होंने बनाया हुआ है इस गाड़ी को। आई थिंक कि जब फाइनल गाड़ी आएगी तो थोड़े बहुत चेंजेस में आपको शायद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी को फाइनली मार्केट में आने में 4 से 5 महीने तो हैं। यहाँ पे LED ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलेगा, बैक लाइट है, रिफ्लेक्टर है, ब्रेक लाइट वगैरह मिलेगी, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे टूल बॉक्स टाइप की जगह मिलती है, बट जो टूल बॉक्स ना होगा यहाँ से आप स्टेपनी को एक्सेस कर सकते हो, गाड़ी की स्टेपनी यहाँ प्लेस करी जाती है। पीछे की तरफ आपको ई ड्राइव एक्सल देखने को मिलेगा। अगर हम इस ई ड्राइव एक्सल को यहाँ पे देखें तो ये 2 फेस के मैकेनिकल गियर चेंजेस के साथ में आता है। गियर चेंज का लेवल हम वहाँ देखेंगे। ये जो 2 केबल आ रही है, ये केबल देखो यहाँ पे क्लच टाइप का ये केबल लगा हुआ है,
इसमें से गियर चेंज होता है, मतलब दो स्पीड पे इसको आप शिफ्ट कर सकते हो। ई ड्राइव एक्सल है, मतलब ये पूरा ई एक्सल है, यहाँ पे कमानी पट्टे वगैरह है, हालांकि ये कमानी एक्सल के नीचे लगी है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा गाड़ी का इशू रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि गाड़ी सिर्फ 10 इंच के टायर पे आती है। तो अभी गाड़ी में जो है 4, 50, 10 के ही टायर लगाए गए, मेरे ख्याल से शायद 12 इंच के टायर लगाए जाएंगे जब गाड़ी प्रैक्टिकली आएगी, बट फिलहाल अभी गाड़ी में ये सारी चीजें हैं। दोस्तों आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, घुटनों में जाके वीडियो बना रहे हैं, गाड़ी के नीचे जा रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करिएगा। आगे की तरफ दिखाते हैं आपको क्या सारी चीजें। तो यहाँ पे भी ईवी फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए ईवी बनाया हुआ, मतलब कुल मिला के इसको एक अच्छे रेट पे देने की इनकी मनोभावना है कि यार अगर इसको हम बढ़िया रेट पे देंगे, ठीक रेट पे देंगे, तो सही चीजें जो है वो ओवरऑल रहने वाली है। अब हम चलते हैं पहले ड्राइवर के केबिन में, फिर मैं आपको पीछे जाके दिखा दूंगा कि क्या कुछ इसमें बैठने की व्यवस्था इन्होंने की हुई है। दोस्तों अब इसके हम लोग केबिन के बारे में बात करते हैं, और हम केबिन की बात करते हैं, स्टीयरिंग व्हील थोड़ा छोटा है, बढ़िया लगेगा पकड़ने में, आपको आदत हो जाएगी कुछ टाइम में। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे, दो स्पीड के वाइपर है, हायर लो सेटिंग्स है। यहाँ पे आपको जो है वो लाइट के कंट्रोल भी पार्किंग और मेन लैंप्स के लिए मिलेंगे, बाकी इंडिकेटर वगैरह भी यहीं से हो जाते हैं, जो कि ठीक ठीक बात है। यहाँ पे आपको देखेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट पैनल यहाँ लगाया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल देखेगा। ये लोग कहते हैं कि ये जो इन्होंने स्क्रीन है वो खुद बनाई हुई है, खुद इसका इंटीग्रेशन किया है, इनके जो डाटा इस गाड़ी से आता है वो डाटा ये खुद रीड करते हैं कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या एसओसी चाहिए, स्टेट ऑफ चार्ज, या फिर गाड़ी कितनी चार्ज या डिस्चार्ज है, कितनी देर में चार्ज हो जाएगी, वो सब ये लोगों ने खुद इंटीग्रेशन किया हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों के दोनों स्पीकर का प्लेसमेंट मिलता है, दो कैविटी आपको मिल जाएगी, या कोई ऐसा ग्लव बॉक्स वगैरह अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है गाड़ी में, कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है। बाकी यहाँ एक चार्जर दिया हुआ है जो कि यूएसबी बेस्ड है, 12 वोल्ट के पावर आउटलेट के साथ में है, और ये आपको फॉरवर्ड और रिवर्स जाने के लिए स्विचेस हैं, मतलब बहुत ही अनकन्वेंशनल है, या तो नॉब वॉब देते हैं लोग बग, बट यहाँ पे स्विचेस लगाए हुए हैं। नॉर्मली गाड़ी को जब चेंज किया जाएगा, जब इसको चेंज किया जाएगा, जब गाड़ी को जब बाद में फुली फाइनली बनाया जाएगा, ये जो हॉर्न वगैरह है, गाड़ी की चाबी वगैरह यहाँ लगती है, सारी चीज़ें। अब ये इंटरेस्टिंग सा फैक्टर कि दो स्पीड का जो मैनुअल गियरबॉक्स की मैं ई ड्राइव एक्सल में बात कर रहा था, वो आपका यहाँ से होगा, मतलब यहाँ से आप वो दो स्पीड का ई ड्राइव एक्सल को जो है देख सकते हो। ये आपका जो हैंड ब्रेक वगैरह गाड़ी का है वो मिलता है, ओवरऑल चीज़ें। अच्छा सीट वगैरह देखो आप, आधी अधूरी मिलती है इसमें, मतलब ऐसी सीट आएगी क्योंकि पैसा बचाना है, क्योंकि आपको अफोर्डेबल देनी है, ईवी फॉर ऑल देनी है, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। शीशा वगैरह यहाँ पे बड़ा लगा रखा है, ट्रक के बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे आए हुए हैं, देखो शीशे वगैरह बड़े हैं, कांच वगैरह बड़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगह से सोर्स करके, बहुत दिमाग वगैरह लगा के इस चीज़ को पूरा इंटीग्रेट किया गया। चलो मैं पीछे से और बताता हूँ आपको, इसमें 12 लोग बिठाओगे तो कैसे, अब 12 लोग पीछे बिठाओगे, आगे की मैंने सीट में उसमें कैलकुलेशन नहीं किया, मतलब यहाँ मेरे अलावा दो बंदे आराम से बैठ सकते, फिर हम देखते हैं कि पीछे कितने लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये हैंडल मिलेगा जिससे आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हो, और ये स्लाइडिंग विंडोज है। इसके बाद अगर अंदर जाएंगे तो फुट स्टेप इतना ऊंचा नहीं है, क्योंकि अभी गाड़ी 10 इंच के टायरों पर, जैसे मैंने बताया था, तो आप चढ़ सकते हो, अगर बच्चे वगैरह भी अब स्कूल वाले लेके जाने का मन है इसमें, तो वो भी आप चढ़ सकते हो, वो सारी चीज़ें। अगर आप अंदर बैठते हो तो अंदर बैठ के भी आपको देखो अलग तरीके का सेटअप मिलता है, मतलब एक बेंच आपको यहाँ मिलेगी, जैसे हम ओमनी में बैठते थे, एक उधर फेसिंग एक इधर फेसिंग, तो दो फेसिंग तो वो हो गया, इसके अलावा दो बेंच आपको यहाँ मिलेगी, मतलब यहाँ से एक फेस करोगे, वहाँ से एक फेस करोगे। अगर हम मान लेते हैं कि इस बेंच पे दो लोग बैठेंगे, इस बेंच पे दो लोग बैठेंगे, इस पे भी दो लोग बैठेंगे, इस पे भी दो लोग बैठेंगे, तो 8-9 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, प्लस 3 आगे बैठ सकते हैं, मतलब इस पे 4+3+3 तो 4, 7, 10, और फिर उसके अलावा तो 12 लोग आप इस हिसाब से बैठा सकते हो, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से लगा लो। सीट्स बढ़ सकती है, मतलब जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सीट्स को अगर हम पूरा जैसे मैजिक वगैरह में हमने कई बार मॉडिफाई किया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो गाड़ी बहुत ही कमाऊ रहने वाली है। जो लोग इस गाड़ी में जितना दिमाग लगाया, इसको चलाने में भी उतना ही दिमाग लगाए उनके लिए। यहाँ पे लाइट वगैरह थोड़ा अंदर दे रखा है, शीशे वगैरह बढ़िया है, हवा वगैरह बढ़िया आएगी, स्टीयरिंग व्हील पकड़ के चल रहे हो, और गाड़ी सच बताओ तो यहाँ से बड़ी लगती है, क्योंकि चारों तरफ से खुली खुली है, चारों तरफ से शीशे वगैरह दे रखे, तो उसके हिसाब से चीज़ें। तो बस ये सारी बातें हैं इस गाड़ी के बारे में, चलिए हम करते हैं गाड़ी वीडियो को फाइनली कंक्लूड। तो दोस्तों ये सारी बातें थी हमारे हैक्सल के मैमोथ के बारे में। अब ये जो गाड़ी है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब देखने में अभी देखने में बढ़िया लग रहा है, समझने में बढ़िया लग रहा है। 12 लोग बैठा सकते हैं, मतलब 12 तो ऑफिशियल पासिंग वासिंग की बात कर रहे हैं, बाकी वो कितने बैठा सकते हैं वो सब चीज़ें तो और आएंगी अलग से। तो फिलहाल के लिए वीडियो में यही सब बातें थी। लगभग 100 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है, 200 किलोमीटर तक बढ़े हुए बैटरी पैक जिससे थोड़ी कीमत ही बढ़ जाएगी, उसके साथ में आप इसको चला सकते हो। फिलहाल गाड़ी टेस्टिंग पे है, जल्दी गाड़ी भारत में लॉन्च हो जाएगी, जब लॉन्च होगी तो हम आपको वो सारी चीज़ें भी बता देंगे। अब आपको कैसा लगा ये वीडियो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर सकते हो, फ्री है आपके लिए, लाइक वगैरह कर सकते हो, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर वगैरह कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। और ऐसे कौन से आपको वीडियो देखने वो भी आप मुझे बता सकते हो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।